हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पर। नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम आपको स्केल अप बनाना सिखाते हैं, यानी कि कटवर्क किस तरीके से कटवर्क बनते हैं। और आज हमारा 14 दिन सिखाने का, हम 3 वीडियो डाल चुके हैं। आसान तरीके से आपको एम्ब्रॉयडरी सिखा रहे हैं, यानी कि कढ़ाई करना। तो चलते हैं, आपको बताते हैं स्केल अप किस तरीके से बनते हैं। तो स्केल अप के लिए हमने पहले एक रफ कपड़ा ले लिया है। आप भी इस तरीके से रफ कपड़ा ले लें, जिसका भी आपको मोटा पतला कपड़ा आपके पास हो उस तरीके से कपड़ा ले लें आप। और जब आप इसको बनाएं तो सिंगल खींच ले, यहाँ पर आप सिंगल खींच के भी काम कर सकते हैं। यानी कि अभी मैं आपको बताता हूँ, आप छपाई भी कर सकते हैं या फिर आप इस तरीके से सिंगल खींच सकते हैं। ये 2 इंच 3 इंच हर तरीके का स्केल अप बनता है। ये लगभग 2 इंच के आसपास का स्केल अप है, इस तरीके से आप खींच सकते हैं। फिर इसकी आउटिंग कर लें थोड़े डागे से, जिससे कि आपका स्केल अप बन जाए। ये बहुत ही आजकल चल रहा है, ये आपको कटवर्क में मिलेगा, आपको साड़ी भी कटवर्क में मिलेगा, चुन्नी भी बना सकते हैं आप इससे, ब्लाउज के अंदर सब तरीके का काम इस तरीके से कटवर्क पे हो जाएगा। ये लगभग 2 इंच का स्केल अप है, और मैं आपको इससे छोटा साइज भी बना के दिखाता हूँ। इसके अंदर आप सारे साइज़ बना सकते हैं, छोटे बड़े। अब इससे थोड़ा सा छोटा साइज़, यानी कि 1.5 इंच के लगभग, ये 2 इंच के लगभग था, ये 1.5 इंच के लगभग। इस तरीके से आप सिंगल खींच लेंगे तो आपको आसानी रहेगी बनाने के अंदर, तो आपकी तिरछी विरछी लाइन नहीं जाएगी। और आप छपाई भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको छाप के भी बना सकते हैं। आप पहले पेपर बना लीजिए इनका, फिर इसकी छपाई कर लीजिएगा, तो और आसान हो जाएगा आपको। जिस तरीके का आप स्केल अप बनाना चाहिए, छोटा साइज भी बना सकते हैं, बड़े साइज भी, और धागा कितना भी चौड़ा पतला ले सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। जिस तरीके से आपका डिज़ाइन बन रहा हो उस तरीके से आप टाका ले सकते हैं जी। अब इससे भी छोटा बना के दिखाऊँ मैं आपको, ये 1 इंच के लगभग बनेगा। और आप इस उल्टा हाथ से भी बना सकते हैं, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस तरीके से आप दोनों हाथ से बना पाएंगे। देखिए मैं आपको बना के भी कर रहा हूँ, इनकी भी प्रैक्टिस करें 8-10 दिन, आप जब इस तरह के स्केल अप बना पाएंगे। और आपका हाथ का कंट्रोल का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है इसके अंदर। आप हाथ को कंट्रोल रखें बिल्कुल, और बिल्कुल सीधे सीधे स्लो स्लो आप चलाते रहें, तो इस तरीके से आपके भी स्केल अप का शेप आ जाए। अब एक और साइज़ बना के दिखाता हूँ, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा। बिल्कुल सब में छोटा साइज़ बनेगा ये, और ये बिगर लाइनिंग खींचे बना सकता हूँ मैं आपको। और ये टाका बिल्कुल 1 नंबर के ऊपर है। ये स्केल अप की ये है कि आप चौड़े से चौड़ा टाका बना सकते हैं इसके अंदर, और छोटे से छोटा टाके से बना सकते हैं। जिस तरीके से आप बनाना चाहें उस तरीके से इसको फिल कर सकते हैं। और इसका गोलाई का ध्यान रखें आप, किस तरीके से आपको गोलाई लेनी है और बनाना है आपको। चार साइज आपको मैंने बताए, आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब मैं आपको सब में बड़ा साइज भी बना के दिखाता हूँ, और बड़े बड़े साइज भी बना सकते हैं आप, जैसे कि इससे बड़े बड़े साइज भी आप बना सकते हैं। आप इस तरह के सारे स्केल अप बना सकते हैं। मैंने आपको सब तरीका बता दिया, छोटे साइज़ का, बड़े साइज़ का। इस तरीके से बड़ा भी बना सकते हैं, इसे छोटे से छोटा भी बना सकते हैं। तो आई होप आपको स्केल अप समझ में आए होंगे, किस तरीके से स्केल अप बना सकते हैं आप। इनकी प्रैक्टिस करिए, आप 10-15 दिन में इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इस तरीके से बनाना पाएंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।